सबसे पहली बात है कि कभी भी बेस मॉडल लेने से शर्माना नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि दोबारा मैंने सोचा कि क्या ले, सेडान ले कि एसयूवी ले, समझ में आ नहीं रहा था। तो पहली बार मैंने उन्हीं के मुंह से नाम सुना था फ्रॉन्क्स। तो फ्रॉन्क्स जब मैंने देखी ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है फ्रॉन्क्स लेंगे, लेकिन लेंगे क्यों? जैसे नेक्सॉन का लोग बोलते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है, तो 5 स्टार रेटिंग है फिर भी तो दो टुकड़े हो गए गाड़ी यहीं मरवाही में जब एक्सीडेंट हुआ था। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं C04 कार्स। आज के वीडियो में ये है अपने पास फ्रॉन्क्स सिग्मा मॉडल बेस वेरिएंट, और ये कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं करने वाला। आज के वीडियो में एक टोटल ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है, क्यों इस गाड़ी को प्रीफर किया गया और बेस मॉडल ही क्यों, क्या एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, आज के वीडियो में टोटल जानेंगे। क्योंकि आप में से बहुत लोग गाड़ी लेने से पहले देखते हैं कि यार मुझे क्या प्राइस पॉइंट में जाना है, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और मारुति की मुझे भी सबसे पसंदीदा गाड़ी ये लगती है, ना ज़्यादा बड़ी गाड़ी ना ज़्यादा छोटी गाड़ी आपको लगती है, और फील भी वो सारे आपको दे देती है जो आपको एक्चुअल में चाहिए। आज की डेट में जो इंडियन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, एक एसयूवी वाला हैचबैक में ज़्यादा कोई और नहीं जा रहा है, तो इस गाड़ी में आपको मल्टीपर्पज़ चीज़ें मिल जाती है। तो भाइयों, आज के वीडियो में अपने साथ है योगेश सर। योगेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो C04 कार्स पे। सर, इस गाड़ी का प्लान आपने कैसे बनाया और यही गाड़ी क्यों? पहले तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई फ्रॉन्क्स नाम की किसी गाड़ी को लूँगा, मैंने देखा भी नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। सबसे पहली जो चॉइस थी वो वरना की थी, वरना लेने चला तो गया था, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर बार बार बात आती थी कि ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हाईवे भी अगर आप देखो इतना बड़ा गड्ढा मिलता है कि वो गाड़ी फिर से पीछे लो, फिर से मोड़ो। फिर मैं दूसरे नंबर पे चला गया कि अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए तो चले जाते हैं एसयूवी की तरफ। तो मैंने एसयूवी 300 वो एक जाकर देखी, और उसमें जो उसका कलर है वो मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि वाइट कलर में मेरी जो चॉइस थी वो वाइट कलर ही थी, और वाइट कलर में ना जो उसका कलर है वो थोड़ा सा पीलापन है उसमें, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब प्योर वाइट नहीं लगता है। हाँ, प्योर वाइट। आप नई गाड़ी लेने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आपने पुरानी ले रखी है। तो फिर दोबारा मैंने सोचा कि क्या लें, सेडान लें कि एसयूवी लें, समझ में आ नहीं रहा था। मैंने ग्रैंड विटारा देखी, ग्रैंड विटारा देखा, ग्रैंड विटारा अच्छी लगी गाड़ी, लेकिन ग्रैंड विटारा के साथ ये था कि वो प्योर एसयूवी है, तो ज़्यादा हीट होने के चलते ना गड्ढे पे वो ऐसा थोड़ा शेक करता है वो, तो मुझे लगता है कि जितना प्राइस हम दे रहे हैं ना उसको, उतना कम्फर्ट वो नहीं दे रहा है। तो फिर मुझे वही जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन्होंने नेक्सा में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर एक और गाड़ी है वो है फ्रॉन्क्स। तो पहली बार मैंने उन्हीं के मुंह से नाम सुना था फ्रॉन्क्स। तो फ्रॉन्क्स जब मैंने देखी ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है फ्रॉन्क्स लेंगे, लेकिन लेंगे क्यों? तो उन्होंने मेरे को भी बताना शुरू किया कि सर ये ना आपको दिख रही है, देखिए कि ग्रैंड विटारा जैसी दिखती है और थोड़ी सी बलेनो जैसी भी दिखती है, लेकिन आप इसको इसलिए लो क्योंकि इसमें ना दोनों की क्वालिटी है। जैसे हैचबैक है बेलेनो, स्पेसियस है बेलेनो, माइलेज भी है बेलेनो में, ग्रैंड विटारा भी दे रहा है माइलेज। लुक इसका मैच खाता है ग्रैंड विटारा से, और बेलेनो से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है आपका ग्रैंड विटारा। तो उसकी खूबसूरती भी इसमें आ गई, माइलेज भी इसमें आ गया। इंजन इसका बेलेनो का है ही नहीं, इंजन इसका स्विफ्ट का भी नहीं है, इग्निस का भी नहीं है। इसका इंजन मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, एकदम अलग ही है, और फुल पावर इसमें टर्क इंजन इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा इसका जो टायर साइज़ है फ्रॉन्क्स का, बाकी सभी गाड़ियों में ना टॉप मॉडल में जाते जाते टायर चौड़ा हो जाता है, इसमें फ्रॉन्क्स के सभी गाड़ियों में सभी मॉडल्स में एक ही टायर मिला हुआ है, और टायर जितना चौड़ा होगा ना आप उतने कंफर्ट राइड करोगे और बैठोगे। इसके अलावा बात आती है स्पेस की, जैसे मैंने आपको बताया भी था एक बार कि कन्या भोज के दौरान मुझे बच्चियाँ लेकर आनी थी गाँव से, तो जब मैं गया गाँव लेने तो 11 बच्चियाँ इसमें आ गई, और ऊपर से मैं भी बैठा हुआ था गाड़ी के अंदर, तो इतने लोग आ गए एक बार में, आप सोच सकते हो। सोचना नहीं पड़ा स्पेस। हाँ, ऊपर से मेरा एक छोटा भतीजा भी था, 12 लोग थे, तो स्पेसियस काफ़ी है। इसके अलावा जो टॉप मॉडल देता है ना आपको फीचर, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है या फिर डिफॉगर है, वो सब इसमें है, पावर विंडो इसमें है, मतलब बेस मॉडल में आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप बेस मॉडल में कभी सोच के देखिए कि आपको वो पावर विंडो देगा, राइट, आप सोच कर देखिए डिफॉगर देगा, आप सोच कर देखिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देगा, आप ये सोच कर देखिए कि वो आपको मिरर एडजस्टेबल देगा इनर साइड वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें मिल रही थी। इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि एसेसरीज भी बहुत सारी फ्री है इसमें। अब एसेसरीज में क्या फ्री है, तो आप देखो ये जो व्हील कैप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये मैंने बाहर नहीं लगवाया ना ही अंदर लगवाया, ये लगा हुआ ही आया है। अच्छा, मैंने ब्लू कलर क्यों खरीदी, व्हाइट में था पहले, मैं तो ब्लू में इसलिए चला गया कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं जो अलग से लगवाते हैं हम, जैसे ये ये साइड बर्नर का हो गया, फिर इसमें जो ये हमको
मिरर मिल रहा है, ब्लैक ये ब्लैक कलर मिल रहा है। अगर मैं व्हाइट कलर में लेता गाड़ी तो मुझे ना इस पे या तो क्रोमा लगवाना पड़ता है, विजिबल होता है, हाँ विजिबल कराने के लिए। अब ये ना ब्लू थोड़ा ब्लैक जैसा दिखता है, डार्क में समझ नहीं आता, तो ये पता नहीं चलता। ठीक है, इसके अलावा आप पीछे देखेंगे इस गाड़ी में, ये बैकलाइट इसका देखिए, बैकलाइट ये टोटली यहाँ पे ये एलईडी दिया है, पूरा एलईडी दिया है, हाँ एलईडी नहीं देता कभी भी उसमें, हाँ फ्रंट में तो नहीं दिया है लेकिन रेयर में दिया है, इधर ये एलईडी दिया है। इसके अलावा इसका स्पेस अगर आप देखेंगे पीछे से भी, ये खोलना पड़ेगा तो स्पेस बहुत ज़्यादा है पीछे भी, और 60-40 का एक रेशियो है। हाँ बेस मॉडल में दे रहा है इसमें, हाँ ये काफ़ी बेटर हो जाता है। अब आप पीछे देखेंगे तो तीनों सीट में हेडरेस्ट दिया है। हाँ सर, हमने जान लिया गाड़ी की सारे फीचर्स जो आपने बताया कि बेस मॉडल में नेक्सा वाले ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सर मारुति को थोड़ा सा सेफ्टी के नाम से ट्रोल किया जाता है, ऐसा आपको कहीं से नहीं लगा कि यार मैं सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ? ऐसा बहुत लोगों का सोचना है, मैं ऑडियंस के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग सेफ्टी को पहले आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो इस गाड़ी में वो नहीं मिल पाता जो लोग को चाहिए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो सेफ्टी को लेके तो ये मैं भी मानता था पहले कि मारुति सुजुकी ना सेफ्टी को ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे साथ एक हादसा हो चुका है, और मैं ना स्लॉपी एरिया में गाड़ी को ऊपर चढ़ा रहा था रात के समय, और हाईवे रायपुर की हाईवे की बात है, तो एक उधर से 460 डंपर गाड़ी भगाते हुए आ रही थी गाड़ी, तो मुझे लगा मेरे को देख रहा है, लेकिन मेरी लाइट जा रही थी आसमान की तरफ क्योंकि मैं तो ऊपर जा रहा था ना, राइट, तो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा ना तब तक वो पास आ गया था, उसने आकर टक से इसने टक्कर भी मारी मेरी गाड़ी को, उसने टक्कर भी मार दी गाड़ी को, और आप देख लो कितना बड़ा स्क्रैच है उसमें, स्क्रैच दिख रहा है कि आपको वहाँ से? नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो मुझे लगा कि ये तो गया बम्फर, अब मुझे इसको बनवाना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने बाद में फिर ना YouTube में ही देखा और Google में देखा, तो पता चला कि सेफ्टी को लेके फ्रॉन्क्स में काम किया गया, इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो पीछे तक अब देखिए ये फ्रंट से लेकर के जो ड्राइवर सीट है उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी की जब बात करते हैं ना तो दो जगह हम लोग ध्यान देते हैं, एक तो गाड़ी की सेफ्टी और खुद की सेफ्टी, राइट। तो गाड़ी की सेफ्टी अगर चाहिए तो आपके पास ना पहले तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए, और ये जो स्टेयरिंग है ना वो इजी टू मूव होना चाहिए, राइट। इससे आप ना कंट्रोल कर लेते हो, और गाड़ी के भी अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि टक्कर खाने के बाद भी वो आपको सेफ रखती है। फिर बात आती है ड्राइवर की, आपको हमेशा ना सीट बेल्ट तो लगाए रखना है, हाँ। वरना आपने देखा होगा कि मैं तो ऐसे ऐसे गाड़ियों का एग्जांपल मैंने देखा है, यूट्यूब में ही देखा है, न्यूज़ में देखा है, जैसे नेक्सॉन का लोग बोलते हैं कि 5-star रेटिंग है, तो 5-star रेटिंग है फिर भी तो दो टुकड़े हो गई गाड़ी यहीं मरवाही में जब एक्सीडेंट हुआ था, तो दो टुकड़े हो गई गाड़ी सामने से, जबकि यात्री बस से ही टक्कर खाई थी वो, तो उसमें जो दो पैसेंजर थे दोनों मर गए, तो आपको तो थोड़ी सी सुरक्षा का ध्यान खुद से भी रखना है, बाकी कंपनी तो आपको दे ही रही है। जैसे तो देखिए आप अगर गाड़ी ना आपके घर में है कोई गाड़ी, राइट, कोई भी गाड़ी है और आपको कहीं भी जाना है, राइट, तो जाने से पहले आप गाड़ी के बारे में क्या सोचते हो? तीन चीजें आप ध्यान देते हो, हाँ। सबसे पहला होता है उसका माइलेज, राइट, दूसरा होता है उसका परफॉर्मेंस, कहीं रुक ना जाए, धक्का ना मारना पड़ जाए, राइट, और तीसरी बात आती है आपका कम्फर्ट, राइट। अब मैंने बताया मेरे को यहाँ पे ना ये देखिए मेरा पूरा पैर ये पूरा फैला हुआ है, और पीछे कर लो ये देखो, राइट, पूरा पैर फैला, मैं सोकर चला रहा है इसको, और पीछे करोगे और पीछे हो जाएगा, तो ये ना मेरे को सेडान वाली फील भी दे रही है ये गाड़ी। ओके, सेडान के अलावा अगर मैं बोलूँ इससे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना इसका ज़्यादा है, एसयूवी की, इसलिए इसको कहते हैं कि एसयूवी भी है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा है, हाँ, और 195 ऐसा कुछ है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो इस वजह से ना इसमें एसयूवी वाली भी फीलिंग आ जाती है, और आपको ऐसा कम्फर्ट राइड करना है तो ये सेडान वाली भी आपको वो दे रही है, ये फीचर दे रही है, कम्फर्ट दे रही है, तो दोनों चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। फिर एक बात आती है ना कि आप इसको गांव में चला रहे हो कि आप शहर में चला रहे हो कि पहाड़ी में चला रहे हो, कहाँ चला रहे हो? तो जैसे आप गांव जाते हो ना तो सेडान अगर है तो आप डरोगे कि यार वो तो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, गाँव में कैसे चलाएंगे गाड़ी को, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है कि आप गाँव में चला लो कहीं पर भी, कहीं गाड़ी नहीं अटकेगी, नहीं ब्रेकर से टकराएगी। इसके अलावा अगर हम शहर में चलाते हैं तो शहर में दिक्कत होती है ट्रैफिक की, भीड़ की, एकदम रश है वहाँ पे, कैसे निकालोगे गाड़ी? तो एक गाड़ी ना उतनी बड़ी भी नहीं है कि आप निकाल ना पाओ, बहुत स्पीड से निकल जाती है गाड़ी, पतले पतले जगहों से निकल जाती है गाड़ी। तो ये तो है कि ये ना एसयूवी सेडान दोनों मेरे को फीलिंग दे रहा है, फिर हैचबैक भी दे रहा है, हैचबैक इसलिए दे रहा है कि ये कभी पार्किंग में बहुत बड़ा स्पेस घेरती नहीं है गाड़ी, कम स्पेस में आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर ना आप जितने ज़्यादा आदमी को बिठा सकते हो, मैंने बताया ना कि 8, 11, 12 बच्चे आ गए थे, 12 बच्चे इसके अंदर बैठ गए थे, हमको पता भी नहीं चला इतने लोग बैठे हुए हैं, तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा है।
सर आपका यूज़ कैसा है डेली लाइफ में इस गाड़ी के साथ? आप डेली इसको लेके चलते हैं या फिर रहता है घर पे? कि ये एवरेज रनिंग क्या है? ये हफ्ते में 3 से 4 दिन चलती है। राइट। हाँ, सैटरडे संडे तो पक्का चलेगी गाड़ी। हाँ हाँ। बाकी ना ये गाड़ी लेने के पीछे एक रीज़न ये भी था, जैसे मैंने बताया कि मुझे गाड़ी अपने लिए चाहिए थी पर्सनल। राइट। क्योंकि फैमिली के लिए दूसरी गाड़ी है, उनके पास दूसरी गाड़ी है। राइट। तो जैसे मुझे अकेले किसी ने बुलाया ना कि कहीं हाँ। जाना है, अकेले मेरे को जाना है, तो फिर उसके लिए मेरे पास एक गाड़ी होनी थी, तो इमरजेंसी में अपने लिए पर्सनल, तो फिर मैंने ये गाड़ी ली। और फ्रॉन्क्स क्यों खरीदी, इसका रीज़न ये था कि ये ना मुझे एसयूवी और सेडान और हैचबैक, ये तीनों के फीचर क्वालिटी मेरे को दे रहा था, ये कंफर्ट मेरे को दे रहा था। फिर आपने बेस क्यों खरीदा ना, सिग्मा बेस मॉडल क्यों खरीदा? तो बेस इसलिए खरीदा क्योंकि आपको बाकी गाड़ियों में, जैसे आप किसी और गाड़ी को खरीदते हो ना, तो आपको व्हील कैप लगवाना पड़ेगा, इसमें व्हील कैप लगा हुआ आया हुआ है। फिर आपको ना ये पावर विंडो लगवाने पड़ेंगे, पावर विंडो इसमें ऑलरेडी है। पीछे आप देखिए तीनों सीटों में हेडरेस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा डिफॉगर इसमें लगा हुआ है, क्योंकि बेस मॉडल में नहीं होता है। आप देखिए ऑटोमेटिक ये देखिए आप, ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, ये बेस में होता ही नहीं है। हाँ। ये सारी चीजें मतलब आपको बेस में मिल रहा है, ये तो सोच भी नहीं सकते हम कभी। हाँ। कि बेस में कैसे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ जब बेस में मिलने लग गई ना, तो मैंने सोचा कि यार बेस ही खरीद लेते हैं, क्योंकि टायर तो सेम है, टॉप मॉडल लो चाहे बेस मॉडल, फ्रॉन्क्स में टायर सेम ही है। फिर मैंने बजट भी देखा, मैं घर से निकला था ये समझो बजट बना के कि मैं 14 लाख तक की गाड़ी खरीद लूंगा। हाँ। 14 लाख तक की कोई भी गाड़ी खरीद लूंगा, 14 लाख 14.5 लाख। हाँ। फिर मैंने देखा ना कि यार ये तो हमको बस 8 लाख और 8.5 लाख के आसपास ही पड़ी है गाड़ी। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि इसी को खरीद लेते हैं, तो बजट का भी काफी सेविंग हो गया, बहुत पैसे बच गए। मैंने बताया ना हमारे घर में और एक टोयोटा अर्बन क्रूजर बड़े भाई के पास, तो वो बोलते हैं कि तुमने ना बहुत सही गाड़ी खरीदी है। वो टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं अर्बन क्रूजर की, लेकिन वो उनको पूरा चलाने के बाद ये मजा आया, वो बोलते हैं कि तुमने बहुत सही गाड़ी खरीद ली। फिर इसमें क्या नहीं था, इसमें नहीं था म्यूजिक सिस्टम और कैमरा, ये दो चीजें नहीं थी। जैसे ही हम ये बैक कर रहे हैं, हम देखिए ये इतना क्लियर, वो 8,75,000 में गाड़ी में टिच कम्प्लीट कंपनी को दिए, समझिए आप 8 लाख। तो कंपनी वाले सर कुछ एक्सेसरीज में क्या क्या दिए? सीट कवर कंपनी से सिर्फ सीट कवर लिया, क्योंकि ये सीट कवर मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा था, इसका कलर भी अच्छा था। बाकी इसकी सीट आप देखिए तो खुद शेप बना के दिया है ना। हाँ। ये आपको इनका बांध के रखा सीट हुआ है। जो है मारुति का काफी कंफर्टेबल है। हाँ। सर बस एक लास्ट सवाल है, अपकमिंग बायर को क्या मैसेज देना चाहोगे आपके हिसाब से? देखो सबसे पहली बात है कि कभी भी बेस मॉडल लेने से शर्माना नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि टॉप मॉडल आप जब लेने जाते हो आपको लगता है बजट उतना नहीं है, तो आप सेकंड टॉप में आ जाते हो। right. आपको लगता है कि सेकंड टॉप भी टॉप जैसा है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड टॉप और टॉप में बहुत ज़्यादा अंतर है। और इसलिए अंतर है क्योंकि मैंने बताया कि अधिकतर जितने भी गाड़ियाँ बनती ना, उसके सेकंड टॉप के बाद ही उसका टायर चौड़ा होता है और सिर्फ टॉप को मिलता है। और सेकंड टॉप और बेस मॉडल का टायर सेम होता है, सस्पेंशन तो दोनों में सेम रहता है ना। आप क्या देखते हो गाड़ी में, माइलेज देखते हो, कम्फर्ट देखते हो, सेफ्टी देते हो, तो कंफर्ट और सेफ्टी आपका सस्पेंशन पे ही डिपेंड करता है अधिकतर। right, right. और माइलेज आपकी सीसी पे डिपेंड करता है। और गाड़ी आप कैसे राइड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको ना कोई गाड़ी खरीदनी, आप चाहते हो एसयूवी भी खरीद लूँ, आपको लगता है सेडान भी आ जाए, और आपका बजट भी 10 लाख के आसपास है, तो आपको ये गाड़ी सबसे बेस्ट मिलेगी। और मुझे लगता है ये सिर्फ अपने सेगमेंट की गाड़ियों को टक्कर नहीं दे रही है, मतलब खत्म नहीं कर दे रही है, अपने सेगमेंट की सारी गाड़ियों को खत्म कर देती है, अगर आप बजट देखो, कंफर्ट देखो, स्पेस देखो, माइलेज देखो। इसके अलावा ये अपने से 3 लाख रुपए ज्यादा की जो गाड़ियां होंगी ना, उसको भी ये खत्म कर दे रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लोग टाटा की तरफ भागते हैं कि टाटा में बहुत ही सेफ्टी फीचर है, लेकिन मुझे लगता है कि रतन टाटा जितने अच्छे इंसान है ना, उनकी गाड़ियां टाटा कंपनी की उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारे पास एक और गाड़ी थी, वो ना हमने बाद में 75,000 में बेच दी उसको, लोहे के भाव में समझिए, क्योंकि 5 साल के बाद वो गाड़ी एकदम खड़ी हो गई। तो टाटा की गाड़ी पे तो यकीन होता नहीं है। महिंद्रा की गाड़ी अच्छी है, लेकिन महिंद्रा की गाड़ी में बताया कि कलर का प्रॉब्लम है। तो ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर से, ये वीडियो आपने अभी तक देखा तो शेयर जरूर से कर देना। और मिलते हैं एक और ऐसी नए ओनरशिप वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.